हेलो एवरीवन, मेरे ग्रीन लाइब्रेरी चैनल में आपका होस्ट वेलकम। और जो आज की वीडियो है मेरी, वो न्यू फ्लावर पे है। जो विंटर के प्लांट होते हैं, वो काफ़ी सारे प्लांट मैंने बाय किए हैं, वो भी दिखाऊंगी। और जो मेरे अच्छी ब्लूमिंग कर रहे हैं वो भी दिखाऊंगी। और जिनका मुझे बहुत इंतज़ार था प्लांट का, वो भी मैं लाई हूँ। और कलर, और ये देखिए, पहले सबसे पहले आपको ये दिखाती हूँ, ये गजानिया की, क्योंकि ये धूप में ही खिलते हैं और इनका मैं इंतज़ार कर रही थी काफ़ी समय से। तो ये अब 12 बजे के बाद ये कुछ इस तरह खिले हैं, और कल धूप नहीं थी तो ये बिल्कुल भी नहीं खिले थे। ये धूप का ही प्लांट है और धूप में अच्छे से सर्वाइव करते हैं। और ये देखो, अच्छे से ये ब्लूम करते हैं। और ये देखो, ये मेरे पास येलो कलर के तो कितने सारे हैं। ये है बहुत प्यारा सा, और एक ये है, और ये थोड़ा थोड़ा इनके पेटल अलग हैं, कुछ अंदर से कलर अलग हैं। ये देखो, इस पे ये हनी बीवी जो होती है, वो भी देखो कितना अट्रैक्ट होती है जब ये खुलते हैं। और एक ये कलर भी बहुत प्यारा है, इसमें देखो कितना सुंदर कलर है इसका, और कितने सारे फूल ने लगे हैं इस पे, ये देखो। और एक कलर में बहुत दिन से तलाश रही थी और वो मुझे मिल नहीं रहा था। ये देखो, ये है वो कलर, ये रेड कलर है, बहुत ही प्यारा है। बल्कि इसमें ये कैमरे में भी इतना अच्छा नहीं लग रहा जितना अच्छा है ये रियल में लगता है, बहुत ही प्यारा है, खूबसूरत है। और येलो कलर के ये देखो कितने सारे हैं, ये देखो बहुत सारे हैं, और इन पे फूल भी काफ़ी सारे आ रहे हैं। ये देखो कितने सुंदर हैं, कई सारे लग रहे हैं, ये देखो। और ये मेरे पास गजानिया के बहुत सारे प्लांट हो गए हैं। ये देखो, एक ये है, एक ये है, एक ये कलर है। इसमें अच्छे कलर बहुत सारे आते हैं, इसमें काफ़ी डिफरेंट कलर काफ़ी सारे आते हैं इसमें। और ये देखो, एक ये है, मैं सभी को दिखा रही हूँ। और एक ये है, और कई सारे तो ऐसे हैं जो अभी फूल आए थे और अभी उन पर कलियाँ बन रही हैं। एक ये है, और एक ये है, और एक ये है। ये मेरे पास कम से कम 15 प्लांट मैंने बना दिए हैं, और ज़्यादातर मेरे पास येलो कलर के हैं, ये देखो। और अब मैं उनसे मिलाती हूँ जिनका मैं जो है इंतज़ार कर रही थी नर्सरी में। तो ये देखो, ये डेजी का, मुझे डेजी का बहुत पसंद है, और इस पे भी कलर कॉम्बिनेशन बहुत सारे मिलते हैं, और ये इजीली प्रोपोगेट हो जाता है, ये सीड से भी हो जाएगा। और इनको हम अगर डिवाइड कर दें, इनको इस तरह से निकाल दें नीचे से, तो ये तब भी हो जाता है। कई सारे प्लांट बना सकते हैं हम इसके। एक कलर ये है, वाइट कलर का है ये, और एक इसमें पिंक का भी आ गया होगा, ये दो कलर हैं इसमें। और एक ये देखो, ये डार्क पिंक, ये कितना प्यारा कलर है, बहुत ही खूबसूरत है ये देखो। इसे पप डेजी कहते हैं, हालांकि डेजी में कई वैरायटी आती है। ये देखो, ये रानी कलर है, मजेंटा कलर, ये भी कितना सुंदर कलर है, बहुत ही प्यारा है। ये मैं 3 लाई हूँ पफ वाले, एक ये वाला है, और एक ये वाला है, और एक ये कलर। ये मुझे बहुत ही सुंदर लगते हैं ये फ्लावर इसके। और मैं पिछले साल भी लाई थी वाइट कलर का। तो और एक ये डेजी, ये सिंगल पेटल में आते हैं, ये अलग तरह के होते हैं। ये देखो, ये इस तरह के फ्लावर होते हैं, ये भी खूबसूरत लगते हैं। और ये भी सूरज के साथ ही खिलते हैं, ये वाले, ये तो खिले रहते हैं, ये 24 घंटे खिले रहते हैं। और ये वाले जो होते हैं, ये जब सूरज निकलता है ये धूप से ही खिलते हैं। और ये ऐसे ही है जैसे गजानिया के होते हैं, गजानिया के धूप से खिलते हैं, ऐसे ही ये खिलते हैं, नहीं तो ये बंद हो जाते हैं इस तरह। ये तो पुराना हो गया, कई दिन से खिल रहा था ये, और ये मैंने नए किए हैं अभी 3-4 दिन पहले ही। तो अभी तो ये देखो ऐसे ही रखा हुआ है, और ये भी अभी ऐसे ही रखा हुआ, अभी लगाई भी नहीं है। और इसको भी हम बीजों से प्रोपोगेट कर सकते हैं इसको, और इसको इससे भी लगा सकते हैं, इससे जैसे यहाँ से कट कर लो थोड़ा सा, और इसको इससे भी लगाया जाता है। और अब मैं दिखाऊंगी आपको, ये देखो, ये कार्नेशन है, कार्नेशन का भी 24 घंटे फ्लावर खिला रहता है प्लांट पे। देखो कितना प्यारा फ्लावर है ये, पहले रेड कलर का आता है ये देखो, फिर ये कलर जो है चेंज कर लेता है अपना, ये इसमें मजेंटा कलर बन जाता है। ये देखो इसमें और इसमें कितना अंतर है, कलियाँ होती रेड होती है इसमें, और ये इतना डार्क ग्रीन है, इसकी पत्तियाँ भी बहुत खूबसूरत लगती है। ये देखो,
एक कलर ये है ऑरेंज कलर का, और प्राइम रोज तो इतने प्यारे लग रहे हैं, बस इनके जैसे ये देखो ये प्राइम रोज है, और इनके जैसे ये डार्क कलर के हो जाते हैं, ये जब सूख जाते हैं तो इनको निकाल दो तो ये नए बन के और तैयार हो जाते हैं। इनको हम यहाँ से नीचे से निकाल देते हैं सूखे हुए, अभी तो हालांकि ये अभी इतना सूखा नहीं था, तो सूख के जब लटक जाते हैं तो इनको निकाल दो तो ये नए नए जो है और बड्स बनाने शुरू कर देते हैं, तो इनको जो है एनर्जी इनकी जो है वेस्ट नहीं होती अगर इसको निकाल देते। एक ये कलर है कितना प्यारा है, एक ये कलर है कितना प्यारा है, ये कितने बड़े बड़े सुंदर सुंदर फूल हैं, और एक ये वाला कलर है, ये देख ये मैरून और रेड है, पहले ये रेड सा होता है और फिर इसका भी थोड़ा सा कलर चेंज होता है, बहुत सुंदर कलर है, ये देखो देख सकते हैं आप। और ये तो ऐसे बंच की तरह खिलता है, पिंक और वाइट कलर का, पहले ये वाइट कलर का बनता है ये देखो, और फिर ये इस तरह पिंक हो जाता है, और ऐसे बंच की तरह पूरा इतना सारे फूल हैं इसमें, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और अब मैं दिखाती हूँ अपना, ये देखो, और ये रेड कलर का इम्पेशियंस है, ये रेड का नहीं था, ये मैंने बाय किया था, ये देखो ये भी कितना खूबसूरत, बहुत सुंदर फ्लावर है इस पर भी, और ये भी 12 महीने का होता है, अगर आप कटिंग से लगाना चाहो तो ये कटिंग से लग जाता है बड़ा इजीली, और इतनी ये छोटी सी कटिंग है, इसको यहाँ से अभी थोड़ा बड़ी हो जाएगी तो यहाँ से काटो और तब लगा लो, या यहाँ से भी लगा सकते हैं, लेकिन इन पर फूल आ रहा है, हमें जो है ये कम फूल वाला लेना चाहिए, जैसे ये है इस तरह से यहाँ से काटो और लगा लो, तो ये 12 महीने का है, ये भी बहुत ईजीली होता है, ये ज़्यादा इसको ज़्यादा धूप की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत हल्की सी मॉर्निंग की धूप चाहिए इसे, और ये अच्छा इजीली चलता रहता है, इसमें ज़्यादा कोई मेहनत भी नहीं है, इसे एक बार लगा दो, और पानी भी ये ज़्यादा नहीं डिमांड करता है। और ये पहले भी दिखाए थे, देखो ये फूल ये भी मुझे पसंद आए, ये देखो ये जो मंकी फ्लावर होते हैं, ये देखो कितने खूबसूरत लगते हैं, ये भी अभी ये खिल के आ रहे हैं, और पहले खिल चुके हैं वो मैंने निकाल दिए, डेड हो गए थे वो, तो इनकी तो पत्तियाँ भी कितनी खूबसूरत होती है देखो बंच के। और ये भी मेरे पास 3 कलर का, एक येलो कलर का है, और ये वाला कलर है कुछ ऑरेंज में कुछ अलग सा है, रेड है, और एक मेरे पास मैरून कलर का है, जो अभी वो खिला था उसका फूल निकल गया, अभी वो छोटा ये प्लांट, और ये देखिए एक मेरे पास, ये भी इजीली ये बीज से भी तैयार कर लेते हैं, जैसे ये बीज इसका हम रोकना चाहेंगे तो अभी तो नहीं, मार्च में जैसे आप रोक दोगे इसको, ये फ्लावर तो झड़ जाते हैं, निकाल दो तो ये बीज होता है, ये सीड होता है इसके अंदर, तो ये बाद में हम इसको सीड से तैयार कर सकते हैं, और कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं, जैसे ये छोटी छोटी कटिंग है यहाँ से निकालो और इसको लगा दो तो ये अच्छे से तैयार हो जाते हैं। ये भी, और ये है, ये कलाडियम है, ये देखो ये भी मेरे पास 4-5 कलर है, एक ये है और एक ये भी प्यारे होते हैं फूल, बहुत अच्छे होते हैं। और एक मैं देखो ये स्टॉक की दिखाती हूँ, स्टॉक की मेरे पास ये 3-4 हैं, एक ये कलर है सुंदर है, ये भी इजीली तैयार हो जाते हैं, कटिंग से हम इसको प्रोपगेट कर सकते हैं और इजीली लग जाती है इसकी कटिंग में। और ये देखो एक ये वाइट कलर का, ये भी देखो कैसे बंचों में आता है ना, बहुत ही प्यारा लगता है। और एक ये है पर्पल, कितना प्यारा है देखो, हालांकि इसके 2 फूल मेरे से टूट के गिर गए थे, एक ये और एक वो, और ये कई दिन तक खिला रहते हैं, 24 घंटे इसका फूल खिला रहता है। और एक ये है देखो, ये अभी बनी रहे हैं, इसके जो है पहले फूल मैंने इससे निकाल दिए, तो अब ये नए नए बन के आए हैं, इसमें देखो कितने सारे ब्रांच में, सभी ब्रांचों में इसमें देखो कितना सुंदर है। और एक मैं आपको दिखाती हूँ अपना गुलाब, कितना प्यारा अभी खिल ही रहा है, ये देखो कितना प्यारा है, बहुत ही सुंदर है, और कलियाँ बन रही हैं, और ये भी कुछ नया है कुछ, और ये तो मुझे काफ़ी कॉस्टली पड़ा ये वाला गुलाब, ये 2 कलर में है, मैरून में और एक कलर और इसमें अभी खिल के आ रहे हैं, ये देखो अभी बड्स इसमें बनी हुई है, अभी खिल के आ रही है इसकी, अभी खिल जाएगा तब पता चलेगा इसका। और अभी मेरे पास बहुत सारे फ्लावर प्लांट हैं, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी न्यू प्लांट आपको फ्लावर प्लांट दिखा सकूँ।
ये देखिए, एक ये है मेरे पास, ये भी बहुत सुंदर लगता है मुझे, ये अरेलिया का, ये देखो। और ये एक, ये भी कई सारे कलर कॉम्बिनेशन में आता है, ये देखो, ये मजेंटा कलर है जिसे हम रानी कलर बोलते हैं, ये देखो। और ये ऐसे गमला भर देता है, इसको भी हम अगर इसकी कटिंग लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, अभी भी लगा सकते हैं जनवरी में भी। और ये ऐसे गमला भर जाता है फूलों में। ये भी दो तरह के आते हैं, हाइब्रिड में भी आते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग भी होते हैं, तो हाइब्रिड वाले महंगे पड़ते हैं लेकिन उसमें फूल बहुत होते हैं। ये देखो, ये हाइब्रिड ही बताया उन्होंने, और इस पर फूल कितने सारे, पूरा गमला भर जाता है। छोटे छोटे फ्लावर से इनकी पत्तियाँ भी नज़र नहीं आती, ब्रांच व्रांच कुछ नज़र नहीं आता, सारा फ्लावर ही फ्लावर होता है। देखो कितना प्यारा लग रहा है, इसको मैंने अभी बाय किया है, ये देखो अभी मैंने गमले में ऐसे ही रखा हुआ है इसको, ये वाला गमला दूंगी मैं इसको, क्योंकि ये बड़े मुँह का है, इसको अगर हम बड़े मुँह का गमला देते हैं इस तरह के प्लांट को जो फैले रहते हैं नीचे नीचे, तो वो अच्छा रहता है। और एक मेरा ये वाइट का, ये सबसे पहले मैंने ये लिया था, ये भी ब्रांच में खिल रहा है, तो इसकी जब ये फूल, ये अभी हटने लगे फूल यहाँ तक, तो और जब ये हट जाएंगे पूरा ऊपर से ऐसे करके काट दूंगी पकड़ के सबको फूलों को इनको, तो ये अंदर से बहुत सारी इसमें ब्रांच बन के आएंगी। ये देखो जैसे छोटी छोटी ये सारी बन के आ रही है, ये सारी जितने पुराने फ्लावर होता है हो जाते हैं उनको अगर हम निकाल देते हैं नए नए जल्दी बन के आ जाते हैं। तो और ये मेरा देखो डॉग फ्लावर है, इस पर भी ये रेड कलर का अभी आ रहे हैं इस पर भी। और ये यहाँ देखो, ये मैरीगोल्ड रखे हैं, मैरीगोल्ड के भी कई सारे हैं। और मैं अब दिखाती हूँ अपना एक, ये भी मैं न्यू लाई हूँ, देखिए नेस्टेड है। और इस पर ये फ्लावर कलर मैंने नहीं देखा था, तो ये जैसे ही मुझे दिखाई दिया वहाँ के नर्सरी में, मैंने तुरंत इसको बाय कर लिया। और ये हल्का, हालांकि ये मुझे कम हेल्दी लगा, मगर फिर भी मैंने इसको बाय कर लिया। ये देखो इसकी पत्तियाँ भी गोल गोल बहुत सुंदर लगती हैं। अभी इसको, ये मैं नर्सरी गई थी अभी 3-4 दिन पहले, तब मैंने ये बहुत सारे प्लांट बाय किए। और मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ, मैं आपको सारे जितने भी विंटर प्लांट हैं सारे ही ला के दिखाऊँ आपको। ये देखो, ये भी नेस्टेटियम है, ये वेरीकेटेड है, और ये जो है गमले में फैल तो काफ़ी गया है, ये बास्केट में रखा हुआ काफ़ी फैल रहा है, तो अभी इस पर मगर फ्लावर नहीं आएगा इस पर भी। और ये देखो, एक ये ऑरेंज कलर का है, ये भी नेस्टेटियम है, ये ऐसे लग रहा है इसको फ्लावर की जो बर्ड होती है इस तरह की लग रही है, जैसे बत्तख होती है जो डक होती है, इस तरह का मुँह लग रहा है इसको, कितना प्यारा लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखो अब ये सारी बर्ड्स ना, बहुत सारी बर्ड्स हैं इसमें, ये सब खिल के आएंगे। और इनको तो बड़ा ये इजीली रहते हैं लगाना, ये जितने ये जब ये फूल ये जो है इसके खिल जाएंगे, इन्हीं पे सीड भी बनेंगे, मोटे मोटे से सीड बनते हैं इनके, काफ़ी इतने मोटे मोटे सीड होते हैं, और उनको हम ऐसे ही डाल देते हैं तो वो बड़ा इजीली तैयार हो जाता है। और इनको कटिंग से भी लगा सकते हैं। तो ये मेरे पास 3 है, एक ये है और एक ये है और एक ये मैरून कलर का है, ये भी पसंद है मुझे, ये भी हमारे कम से कम ये मई जून तक खिले रहते हैं। और मेरे पास क्या कहते हैं इसको, ये इसके पिटोनिया के तो इतने सारे हैं कि ये देखो, एक ये पर्पल कलर का, कितने प्यारे फूल हैं इसके। और एक ये प्याजी कलर है, ये देखो ये भी खूबसूरत है। और अभी मैं दिखाती हूँ इसके, देखो जो भी मुझे कलर मिलते हैं इसके अलग से थोड़ा, तो मैं उसको बाय कर लेती हूँ। देखो यहाँ भी आते हैं बेचने वाले, मैं उनसे ले लेती हूँ और नर्सरी से भी मैं ले आती हूँ। एक ये रेड है, ये भी कितना प्यारा है। और एक ये है, ये बहुत सारे कलर में आता है, काफ़ी सारे कलर कॉम्बिनेशन आते हैं इसके डिफरेंट में। ये देखो, ये दो कलर में बहुत सारे कलर आते हैं इसमें, बहुत ही प्यारे लगते हैं ये देखो। और एक ये है, ये रेड और पिंक का कलर कॉम्बिनेशन है। पिटोनिया के मेरे पास काफ़ी सारे हैं, ये देखो, ये है एक कलर इसका, पिंक, डार्क पिंक है। और एक मेरे पास ये वाइट कलर है, इसमें तो बहुत फूल आता है, काफ़ी फूल आता है इसमें, ये देखो। और ये मेरे पास पिटोनिया के हैं, ये बटरफ्लाई जो फ्लावर होता है ये वो है, ये देखो कितना सुंदर है, बहुत ही सुंदर है ये, बिल्कुल ऐसे होता है जैसे बटरफ्लाई की शेप होती है ना, बिल्कुल देखो ऐसे ही लगता देखने में।
ये येलो, और इसका कलर कॉम्बिनेशन है देखो, डार्क ये पर्पल कुछ ऐसा है। और एक ये है मेरे पास मैरून और पर्पल और येलो का, ये देखो इस पर बहुत सुंदर आ रहे हैं देखो। और एक में न्यू प्लांट आपको ये ये भी देखो, ये मैंने बाय किया है, ये निमेशिया है। इसमें भी कलर बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे कलर रंगों में आता है, ये भी खूबसूरत लगता है। मैंने तो दो ही बाय किए हैं, ये देखो एक ये है, ये लाइट कलर का है ये देखो, और एक ये रानी कलर का है, मजेंटा कलर। और इसमें बहुत सारे फूल आते हैं और ये परमानेंट प्लांट होता है, तो ये भी आप अगर खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो। तो ये भी खूबसूरत लगता है, देखो कितने सारे फ्लावर आते हैं, ये बिल्कुल पूरा गमला भर जाता है। अभी तो कम है इस पर, ये बाद में जितनी भी बड्स बन रही है ये सारे, ये पूरा गमला भर जाएगा। ये भी मैंने अभी बाय किया है, ये सूर्य नर्सरी से ये मैंने बाय किए हैं बहुत सारे प्लांट। और ये ऋषिकेश में सूर्य नर्सरी है, तो ये वहाँ से बाय किए हैं, पीजी कॉलेज के पास है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, और ये परमानेंट प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत है। मैंने बहुत सारे बाय किए हैं वहाँ से, ये देखो अब देखो कितना प्यारा लग रहा है। और ये अब ये भी हमारे यहाँ चल ही रहे हैं, ये गुलदाउदी के, ये सेवंती के अभी भी चल रहे हैं। काफ़ी सारे थे मेरे पास प्लांट, तो वो सूख गए थे, लेकिन ये कुछ प्लांट अभी भी हैं बने हुए गार्डन में मेरे। अगर इसे आप खरीदते हो निमेश या वो, तो ये आपके सालों साल चलते रहेंगे गार्डन में, तो ये भी अच्छा है प्लांट।